दुबई का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन और महंगे तरीन शहरों में होता है। इसके हुक्मरानों के ज़ौक़ो शौक़ ने इसे बुलंदोबाला इमारतों और शॉपिंग सेंटर से मज़ीन कर दिया। दुबई जो चंद सदियों पहले एक लग तक सहरा था, तेल की दौलत ने इसे नखलस्तान बना दिया। दुबई अपनी खूबसूरती की वजह से खसूसी कशिश का हामिल है। जदीद दुबई की बुनियाद 1971 में रखी गई। आज दुबई एक बैन अल-अक़वामी शहर के तौर पर पहचाना जाता है। इसकी आमदनी का इन्हिसार पेट्रोलियम के अलावा शोबा सियाहत, स्टेट कंपनीज और दूसरे मालियाती इदारों पर होता है। दुबई शहर अरब अमारात का हिस्सा है। अरब अमारात इलाके का दूसरा बड़ा रखने वाली स्टेट है, जबकि पहले नंबर पर अबू धाबी है। दूसरे शहर अरब अमारात की शुमाली पट्टी के करीब वाक़िया है। तारीखी तौर पर दुबई सन 1799 में मौरज़ वजूद में आया, जबकि तेल की दौलत 1966 में दरियाफ्त हुई। मौसम गर्मा में इस शहर का दर्जा हरारत इस कदर ज्यादा होता है कि बाहर जाना दोपहर हो जाता है। मौसम की सख्ती से बचने के लिए तमाम शॉपिंग प्लाजा, होटल्स और तमाम इमारतें सेंट्रली एयर कंडीशन है। खैर, दुबई की बुलंदोबाला इमारतें और देव हैकल इमारतें और अरासा पजीर बाजार सियाहतों को दावत आम देती हैं। यहाँ पर खाना निस्बतन सस्ता, पानी महंगा और पेट्रोल भी सस्ता मिलता है। दुबई के काबिले जिक्र मकामात में मसाजिद, सफारी पार्क्स, मशरूई बर्फ के मैदान वगैरह शामिल हैं। बुर्ज खलीफा दुबई की बुलंद तरीन इमारत है। इसका इफ्तिताह जनवरी 2010 में हुआ। इस इमारत में शॉपिंग सेंटर्स, कारोबारी दफातर, होटल्स और प्राइवेट ताइश और रिहाइश मौजूद है। इसी तामीर पर $8 बिलियन के अखराजात का तखमीना लगाया गया। दुबई में हर साहिल पर अलग किस्म की रेत थी। कहीं रेत का रंग सूजी जैसा तो कहीं ब्राउन। सफारी पार्क में ऊंट की सैर का मजा सहरा की सैर जैसा लगा। गवादर पाकिस्तान का खिताब बलूचिस्तान साहिलों, सहराओं और सुकूत पे डूबे पहाड़ों की दिलफरेब नज़ारों से भरपूर। कहीं आर्ट के नमूनों जैसे पहाड़ तो कहीं खूबसूरत साहिल पलक झपकने ही नहीं देते। बलूचिस्तान में गवादर अरब समंदर की समंदरी मोटरवे पे वाकया है। समंदर नीला और साफ चिकनी मिट्टी के यहाँ ऐसे पहाड़ के तौदे लगता है जैसे डिजाइन बनाकर नक्शो निगार के साथ अल्लाह की कुदरत ने इनको किलों की सूरत दे दी हो। कराची से 533 किलोमीटर दूर गवादर की अहमियत का अंदाजा पाकिस्तान को सन 1954 में इस वक्त हुआ जब गवादर ओमान के हिस्से में था और पाकिस्तान ने अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे से बार बार इसका सर्वे करवाया। जब पाकिस्तान को यकीन हुआ कि गवादर पाकिस्तान के लिए करामत साबित होगा तो इस वक्त वजीर आजम जनाब फिरोज खान ने गवादर को ओमान से खरीदने का फैसला किया और 1958 में पाकिस्तान ने गवादर को ओमान के सुल्तान से खरीदी, जिसकी मालियत इस वक्त 5.5 मिलियन यानी 55 करोड़ रुपए थी। गवादर शहर की शक्ल अंग्रेजी हरूफ टी जैसी है। इसके पहाड़ को है बादल पे खड़े होकर देखें तो दाएं जानब गहरा समंदर है, जहां चीनी दोस्त बंदरगाह की बहुत सी बर्थें बना चुके हैं और बना रहे हैं। कोहे मेहंदी तक ये बर्थें बनेंगी और दुनिया के बड़े बहरी बेड़े सीधे यहां आन लगेंगे। बाएं जानब का समंदर कम गहरा है। यहां समंदर में मिट्टी की भराई करके सैर व तफरी के लिए शानदार साहली सड़क बना दी गई है। इसे मजीद आगे बढ़ाकर इसी पहाड़ तक पहुँचा दिया जाएगा। टी का डंडा अब दो डंडों में सीम हो जाता है और यूं दरमियान में खुश्की का खिता फैलना शुरू हो जाता है, जो बाएं जाने 50-60 किलोमीटर तक समंदर के साथ साथ रहता है। यही मुस्तकबिल का शहर गवादर है, जहां हाउसिंग स्कीम्स की भरमार है। ये स्कीम्स मुस्तकबिल में बनेगी मगर अभी सहरा है। दुबई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। माजी में एक ही मुकम्मल सहरा था लेकिन अब आबादी की भरमार है। मकरान कोस्टल हाईवे पर सफर करते वक्त दोनों जाने वसी और अरीज सहरा के बीचों बीच दौड़ती कोस्टल हाईवे दिल फरेब नजारा पेश करती है। अक्सर जगह गर्द का तूफान गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर देता है मगर इससे सहरा के रोबोदाब में और भी इजाफा हो जाता है। अगर ये कहा जाए कि कोस्टल हाईवे जंगल में मंगल साबित हुई तो गलत ना होगा। दोनों तरफ चटील पहाड़, सहरा और बियाबान के दरमियान खूबसूरत सड़क सफर को पुरलुत्फ बना देती है। गवादर शहर की सैर का अलग ही मजा है। गवादर के लोग बहुत अच्छे हैं, आमदोरफ से इनको रोजगार मिल रहा है और वो खुश भी हैं। इस शहर का मौसम और जोग्राफिया अरब इलाकों से मिलता जुलता है। वाकया भी बहराए अरब पर ही है। खलीज गवादर के मशी की तरफ इशुकान का साहिल है, जहां पानी का रंग हरा है। बलूचिस्तान की सबसे बेहतरीन मछली यहां होती है। इसका साहिल सयाहों के लिए भरपूर कशिश रखता है। इस साहिल पर तीमर के जंगलात भी वाकया हैं। अगर गवादर और दुबई का मवाजना किया जाए तो ऐन मुमकिन है कि गवादर दुबई से बड़ा तिजारती शहर बन जाए। वैसे भी दुबई और गवादर दोनों तो हैं बहुत खूबसूरत, लेकिन इनकी असल अहमियत तिजारत की ही वजह से है। गवादर दुबई को बहुत पीछे छोड़ सकता है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये दोनों शहर बहरा अरब पर वाकया हैं, लेकिन गवादर की अहमियत सेंट्रल एशिया, रूस और चीन की वजह से बढ़ जाती है। पाकिस्तान गहरी आबी बंदरगाह,
गवादर और खिते के तमाम अकवाम के साथ सड़क के राबते के बाइस सबकत हासिल कर चुका है, जो बैन अल-अक़वामी GDP का 56% हिस्से से जायद पैदा कर सकता है। तेल का सबसे बड़ा जखीरा इसी खिते में है। रूस तेल पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। मादनियात के बेहतरीन ज़खायर अफगानिस्तान में हैं, जहां $1 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत की मादनियात छुपी हुई हैं। चीनी मौशी ताकत के तौर पर दुनिया की क़यादत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान इसका हमा वक्त इत्तेहादी है। रूस और वसी एशियाई रियासतें जिनमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान सब शामिल हैं, इनको समंदर चाहिए जहां से ये मुल्क तिजारत कर सके और इनके लिए नज़दीक तरीन और बेहतरीन गवादर बंदरगाह है। दूसरी तरफ चीन के लिए बेहतरीन रास्ता है जिसे वो मिडल ईस्ट के साथ तिजारत कर सकता है। इसी वजह से गवादर दुनिया की 2/3 आबादी के लिए अहमियत रखने वाली बंदरगाह बन जाती है, जबकि दुबई की अहमियत सिर्फ तेल की वजह से बहुत ज्यादा है। यहाँ से अरब रियासतों की तेल की सप्लाई पूरी दुनिया तक पहुँचाई जाती है। ये भी एक हकीकत है कि दुबई का शानदार महले वकू मशरक और मगरब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है, क्योंकि दुबई खलीज फारस के जनूब मशरक साहिल पर वाक़िया है और दर्जनों ममालिक इस बंदरगाह से तिजारत करते हैं। लेकिन गवादर दुनिया के 2 बड़े ममालिक यानी रूस और चीन समेत पूरे सेंट्रल एशिया के लिए अहमियत रखता है। इसके अलावा जब ये बंदरगाह मसरूफ होगी तो दीगर दर्जनों ममालिक भी यहीं से तजारती तरसील को तरजीह देंगे। आलमी GDP का $92 ट्रिलियन और इसका 56% इन ममालिक में महसूर है और जदीद दौर में पहली बार एक मुश्तरका तिजारत ब्लॉक बनेगी, जिसका हतमी नतीजा इन ममालिक की खुशहाली होगी, जो पाकिस्तान और इसकी गहरी आबी बंदरगाह के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए मुमकिन है कि ये दुबई को पीछे छोड़ दे और यहाँ फिर जल्द दुबई के बराबर अहमियत इख्तियार कर ले। नाज़रीन, आप दुबई और गवादर के दरमियान मवाजे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तआवुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।